السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سبيا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. ناظرين محترم، امام حسین ٹی وی کربلا کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ برنامہ، یہ پروگرام جمال منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ کے عنوان سے رمادواں ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری تاریخ ہے، جیسا کہ دنیا کے کئی نقاط میں اور عراق میں بھی اور ہندوستان میں آج 30 رمضان المبارک ہے. حضرت حجت ابن الحسن امام المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں نہ شناختہ شدہ اور غیر معروف اور غیر مانوس نہیں ہے. دین اسلام کے علاوہ اور ادیان میں بھی کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی صورت میں ایک ایسے منجی عالم بشریت کا تصور موجود ہے. تمام ادیان و مذاہب کی کتابوں میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی نام مختلف ہو سکتا ہے، اگر صفات کے اعتبار سے ایک ایسی شخصیت کا تصور کہ جو دم توڑتی ہوئی انسانیت، سسکتی ہوئی بشریت، ظلم و جور و استبداد اور جبروت سے بھری ہوئی دنیا، پسماندہ، کمزور اور مستضعفین کی پناہ گاہ کی حیثیت سے اس دنیائے جبر و تشدد میں کوئی نہ کوئی ایسا عالم بشریت کو نجات دینے والا آنے والا ہے کہ جو مظلومیت کی آہ کا سہارا بن جائے گا اور کچلے ہوئے
पसमानदा गरीब कमजोर तबके को उनके गुरबत को परेशानी और जुल्म और लाचारी और कमजोरी और आजिजी के दलदल से निकाल कर नजात बख्शेगा इस दुनिया में। और आलम इस्लाम में जितने भी फिरके हैं वहां कुछ इख्तलाफ के साथ सही, मगर तसव्वुर महदवियत हर फिरके की के अकायद में मौजूद है और सभी ने अहादीस और सेयर और तवारीख के जितने भी मुसन्निफीन हैं उन्होंने अपनी अपनी किताबों में हजरत महदी का जिक्र किया है। कुरान की आयात बय्यिनात में भी तसव्वुर महदवियत मौजूद है, यानी एक ऐसा आने वाला मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की जानिब से उस आने वाला एक ऐसा खलीफतुल्लाह कि जो आखिरी जमाने में जाहिर होगा और जो बकौले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसका सबसे बड़ा काम यह होगा कि यमलउल अर्ज़ा क़िस्तं व अदला कमा मुलियत जौरन व ज़ुल्मा, यानी वो दुनिया को अदल और इंसाफ के साथ ऐसा भर देगा कि जिस तरह से वो जुल्म और जौर से भरी होगी। कुरान की मुख्तलिफ आयात में नाम लेकर तो नहीं मगर सिफात के आईने में सराहतन किसी ऐसे मुंजिए आलम बशरियत और किसी ऐसे इस्लाम के बड़े मुबल्लिग के आने के बयानात मौजूद है कि जो आयात में है और तफासीर ने जो बयान किया है उसकी तशरीह की है। तो चंद आयात ऐसी हैं कि जिनका मिस्दाक हजरत महदी के अलावा और कोई शख्सियत नहीं हो सकती। उन्हीं आयात में से मैंने एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हुवल लजी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुशरिकून, वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। किस लिए भेजा? इरसाले रसूल का मकसद और हदफ और गायत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि दीन नाम की जितनी भी चीजें हैं, मैं आदियान नहीं कहूंगा बल्कि दीन नाम की जितनी भी चीजें हैं, जो भी रास्ते जो भी इज्म जो भी मकातिब फिक्र अपने को दीन कहते हैं उन तमाम दीनों के ऊपर इजहार इस्लाम इजहार दीन हक हो जाए। दायरे दीन हक से मुराद इस्लाम है कुरान में। वलो कहल मुशरिकून, और ये मुशरिकीन को कितना भी गरा गुजरे मगर ये अल्लाह करके रहेगा। तो अब गरज व गायत और हदफ व मकसद इरसालो बिसत खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, कुरान ये बता रहा है कि तमाम अदियान के ऊपर यानी दीन नाम की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर इस्लाम का इजहार हो जाए। अब यहां पर जरा सी तशरीह करूंगा, लफ्ज इजहार का मतलब क्या है? गलबा, यानी फकत गलबा नहीं, गलबा और इजहार में फर्क है। गलबा ये है कि दो मुकाबिल दो खस्म एक दूसरे के मुकाबिल मैदान में आए, एक गालिब हो फातेह गालिब होगा और जो मफतू होगा वो मगलूब होगा वो हार रहेगा, मगर गलबे में गालिब के गालिब आने के बावजूद और मगलूब के मगलूब और शिकस्त खा जाने के बाद भी मगलूब का वजूद नहीं खत्म होता, वो कमजोर हो जाता है, मैदान से उसके पांव उखड़ जाते हैं और मैदान छोड़ के वो भाग जाता है फरार कर जाता है,
मगर उसका वजूद कल अदम नहीं होता, बल्कि उसके खाकिस्तरे वजूद में दबी हुई बगावत और अदावत और दुश्मनी की चिंगारियां ऐसी दबी रहती हैं कि वो इंतजार में रहता है कि साजगार हवा और फजा अगर दस्तियाब हो तो वो चिंगारियां अंगारा और वो शरर शोले में बदल कर फिर दोबारा अपनी ताकत और कुव्वत और हैबत और इस्तेदाद को जमा करके एक बार फिर वो हक के मुकाबिल मैदान नबर्द में आकर डट जाता है। इसे कहा जाता है गलबा, यानी गलबे में मखलूक का वजूद खत्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर जंगे बद्र में इस्लाम का गलबा हुआ था, इजहार नहीं हुआ था, क्योंकि गलबे के मुकाबिल लफ्ज इजहार का मतलब यह होता है कि गालिब मगलूब पर ऐसा गालिब आए कि मगलूब का वजूद ही खत्म हो जाए, वो कल अदम हो जाए, यानी फिर वो नजर ही ना आए, उसका बीज खत्म हो जाए, उसकी बुनियादें उखड़ जाए, वो वैनिश हो जाए, वो बिल्कुल नाबूद हो जाए। इसे कहा जाता है इजहार। अब सवाल यह है कि इस्लाम को इजहार कब मिला? हद से हद इस्लाम को गलबा मिला, जंगे बद्र में इस्लाम गालिब रहा है, इस्लाम का इजहार नहीं हुआ। तभी तो जंगे बद्र के बाद बातिल शिकस्त खाने के बाद भी, मगलूब होने के बाद भी फिर से अपनी इस्तेदार और सलाहियतें और एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज और अपनी इफिशंसीज को जमा करके फिर से इस्तेदार को पैदा करके मैदान ओहद में हक के मुकाबिल आकर डट गया। ये गलबा का इजहार नहीं था। इसी तरह पैगंबर अकरम की जिंदगी की जितनी भी जंगें हैं खैबर और हुनैन तक, वहां इजहार इस्लाम नहीं हुआ है बल्कि गलबा हुआ। उसके बाद के अदवार भी आप देख लें, अगर खुलफा के अदवार हैं, सलातीन और उमरा हैं ममालिक इस्लामी के, और आज तक के ये तारीख मुस्तमिर और कंटिन्यू है, गलबा कभी नहीं हुआ, बल्कि आज तो मुसलमान मगलूब नजर आ रहा है। जाहिर है कि किसी भी दीन के मानने वाले जब गालिब आते हैं तो कहा जाता है कि दीन गालिब आ गया, इस्लाम मौजूद है अपनी सही शक्ल में भी, महदूद पैमाने पर सही मौजूद है, मगर इस्लाम का गलबा भी आज नहीं है चे जाए के इजहार। और अल्लाह वादा कर रहा है ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, तो अब ये जो खुदावंद आलम ने गरज इरसाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई कि इजहार दीन हक हो जाए, वो पैगंबर के जमाने से लेकर बीच के अदवार से लेकर आज तक इजहार इस्लाम नहीं हो सका, तो फिर अब इरसाल रसूलुल्लाह का मकसद तो अल्लाह ये बता रहा है, खुदा कादिर और तवाना बता रहा है, और वो वादा कर रहा है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इसी उम्मत मुस्लिमा में कबल कयामत कोई ऐसा वक्त आना चाहिए कि जिस वक्त इजहार इस्लाम हो जाए तमाम दीन नाम की चीजों के ऊपर, और वो आज तक नहीं हुआ है और कयामत से पहले होना है। तो यह आयत सरीही ये इशारा कर रही है, बयान कर रही है कि कोई वक्त आएगा कबल कयामत कि दीन हक इस्लाम, दीन फितरत, दीन खुदा, इसका इजहार दीन नाम की जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन पर होगा, और वो वक्त कोई नहीं हो सकता सिवाय हजरत मेहदी के जहूर और खुरूज के, कि वो तशरीफ लाएंगे और उसी इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बनके अल्लाह के खलीफा बनकर, रसूलुल्लाह के वसी और खलीफा बनकर, और 12वें इमाम की हैसियत से इस दुनिया में जहूर फरमाएंगे और इजहार इस्लाम होगा। एक नुक्ता और यहां पर है कि खत्म नबूवत का एक मरहला है, पैगंबर खातिमुल अंबिया है, वो खातिमुल नबीयीन है, वो आखिरी नबी है, मगर खत्म नबूवत के दो पहलू हैं। एक है तूल में खत्म नबूवत यानी लंबान में, और एक है अरज में खत्म नबूवत यानी चौड़ान में। तूल में खत्म नबूवत यह है कि पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम,
ये आदम से लेकर खातम तक ये तूल में खत्म नबूवत हुआ है, यानी लंबान में, तारीख के तूल तारीख में ये खत्म नबूवत हुआ है कि पहला नबी आया और बीच में अंबिया आते आते आखिरी नबी खातिमुल अंबिया आ गए। मगर अरज का जो पहलू है खत्म नबूवत का, चौरानवे खत्म नबूवत ये है कि जब तक दीन मोहम्मद, शरीयत कुरान, दीन हक, दीन खुदा, इस्लाम इस रूए जमीन पर ऐसा न फैल जाए कि कोई भी दीन इसके मुकाबिल रही न जाए, उसका वजूद ही न रह जाए, ये कहलाता है अरज में खत्म नबूवत। ये है मकसद बेसत पैगंबर कि अरज में खत्म नबूवत भी हो, यानी रसूलुल्लाह की रिसालत के अलावा अल्लाह की तौहीद यानी दीन इस्लाम, दीन हक के अलावा और कोई दीन रूए जमीन पर रही न जाए। तो इसका मतलब यह है कि अभी अरज वाला मरहला बाकी है, और अरज का जो खत्म नबूवत है यानी फकत दीन मोहम्मद इस दुनिया में रह जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनके हाथों पर यह मकसद रसूलुल्लाह और मकसद इरसाल रसूलुल्लाह पूरा होने वाला है। और जाहिर है कि किसी भी मकतब में 12 इमाम का तसव्वुर नहीं है, और अगर है भी 12 खुलफा का तो वो खुलफा को अपने गिना ना पाए, कंटिन्यूएशन के साथ आज तक न गिना पाए। बहरहाल एक आयत तो ये भी है कि जिसको दावत फिक्र देने के लिए मैंने इशारा कर दिया, और भी बहुत सी आयतें हैं। वलकद कतबना फिस ज़बूर मिन क़ब्ल अन अल-अर्ض यरिसुहा इबादी अस-सालिहून, हमने ज़बूर में भी ये बात लिख दी इससे पहले कि हमारी जमीन में, ये जमीन अन अल-अर्ض, अल-अर्ض यानी पूरी जमीन, अलिफ लामे जिन्स है, अर्ज नाम की जितनी भी चीज है उस पूरे रूए जमीन के ऊपर अल्लाह वारिस बनाएगा, उसके वारिस बनेंगे रूए जमीन कर पर अल्लाह के इबादे सालेहून, मेरे सालेह बंदे रूए पूरी रूए जमीन के वारिस बनेंगे, यानी उसके हाकिम बनेंगे, वारिस का मतलब। तो वही अब आज तक जाहिर है कि पूरी रूए जमीन पर, हत्ता के रसूलुल्लाह के जमाने में भी आप देख ले, हिंदुस्तान में भी हुकूमत इस्लामी रसूलुल्लाह की नहीं थी, चीन में नहीं थी, पूरी रूए जमीन को देखते हुए वो दायरा हुकूमत इस्लामी खुद रसूलुल्लाह और उनके बाद खुलफा के जमाने में भी मुसलमानों का की पूरी रूए जमीन पर हुकूमत आज तक न रही और न आज है। और अल्लाह वादा कर रहा है कि अल अर्ज पूरी जमीन पर अल्लाह के सालेह बंदों की हुकूमत होगी, विलायत होगी, इख्तदार होगा, वारिस जमीन होंगे पूरी जमीन के। तो आज तक ये वादा इलाही पूरा नहीं हुआ जिसको कह रहा है, मैंने ज़बूर में भी ये लिखा था। तो जाहिर है कि कोई ऐसा वक्त बताना पड़ेगा कि जिस वक्त पूरी रूए जमीन के ऊपर अल्लाह के बस सालेह बंदों की हुकूमत रह जाए। एक और आयत की तरफ इशारा करूं और बात को समेटूं। इसी कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, मोमिनीन से वादा करने को याद दिला रहा है कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्ض कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم امنا لا يشركون بي شيئا। یہ وعدہ الہی قرآن میں ہے کیا؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے مومنین سے, یہ وعدہ کیا ہے اور ان سے کہ جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں, نیک اچھے اچھے کام کرتے ہیں, क्या वादा किया है? लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्ض, लामे सकीला, नूने सकीला, लामे ताकीद, यानी जरूर बिजरूर उन अपने साले बंदों को, मोमिनीन और सालिहीन को इस जमीन के ऊपर खलीफा बनाएगा, इस्तखलाफ करेगा, उनको खलीफा बनाएगा, हाकिम बनाएगा। जैसे कि उससे पहले कभी अंबिया के की तारीफ और अदवार की बात है कि उनसे पहले वालों को भी जैसे कि खलीफा बनाया था जमीन का।
वला युम्मत के नन्न लहुम दीन हुमुल नजर पवा लहुम। और इन साले बंदों को जमीन पे खलीफा बनाकर उनको जमीन के ऊपर उस दीन पर अमल करने की मुकम्मल कुदरत और उन्हें तमक्कुन और उन्हें इक्तदार और ऐसा कुदरत और गलबा देगा कि वो उस दीन पर अमल करे कि जो इर्तज़ा लहुम दीन हुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, के जिससे अल्लाह जिस दीन से राजी है, यानी वो दीन जो अल्लाह के नजदीक मुर्तज़ा है, चुना हुआ है, जिससे अल्लाह राजी है, जिसे अल्लाह ने एक्सेप्ट किया है, जिसे पसंद किया है, उस दीन पर अमल करने का तमक्कुन और कुदरत अल्लाह अपने उन साले बंदों को अता करेगा मोमिनीन को। ये अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में। फिर वही सवाल उठता है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद से लेकर आज तक वो कौन सा मौका आया है कि जब अल्लाह ने अपने साले बंदों को मौका दिया, जमीन पर खलीफा बनाया और उनको उस दीन पर अमल करने की कुदरत दी जो दीन इस्लाम है, दीन हक है, वो दीन के जिससे अल्लाह ने पसंद किया है, जो दीन मुर्तज़ा है, अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन। और फिर आगे वादा बढ़ा के माहौल क्या होगा उसके बाद, वला युमत के नन्न लहुम दीन हुम लज़ी तगा लहुम वला युबद्दिल लन्न मिन बाद खौफिहिम अमना। और ऐसा माहौल बना देगा कि उनके लिए खौफ के माहौल में रहते हुए उस खौफ को खत्म करके अमन से बदल देगा, यानी उन्हें दीन के सिलसिले में कोई खौफ नहीं रहेगा, अपनी जानों के सिलसिले में कोई खौफ नहीं रहेगा, यानी तकिया उन्हें नहीं करना पड़ेगा दुश्मनाने दीन हक के मुकाबले कि अपने दीन को छुपाएं, अपने अकीदे को छुपाएं, जिसे मानते हैं छुपाएं, अपने आमाल को छुपाएं, अपने इस्लाम को छुपाएं, अपने हक को छुपाएं। और फिर माहौल ऐसा बनेगा कि यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, कि वो सब मिलके मेरी परस्तिश करेंगे, मेरी इबादत करेंगे, मुझे पूजेंगे, ला युशरिकून बी शैआ, और फिर जरा सा भी कोई शिर्क नहीं करेगा। तो माहौल कब बना, अल्लाह ने कब अपने साले बंदों को पूरी रूह जमीन पर खलीफा बनाया, अभी तक कब अल्लाह ने उस दीन पे मुकम्मल ऐसा तमक्कुन और इख्तियार और कुदरत दी कि बगैर किसी खौफ के अमन के आलम में, बगैर किसी तकिये और बगैर किसी तकिये खौफ और तकिये मुदारात के, बगैर किसी परेशानी के उस दीन पर मुकम्मल अमल करें कि जो दीन मुर्तज़ा है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो दीन पे अमल कर रहे हैं, सभी अपने अपने नहीं, अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन, और सब मिलके अल्लाह की परस्तिश करें, कोई जरा सा भी शिर्क ना करें। ये वादा इलाही है कुरान मजीद में। आलम इस्लाम को, उम्मत कुरान को, फर्जंदान इस्लाम व फर्जंदान कुरान को, फर्जंदान तौहीद को सोचना चाहिए कि ये वादा इलाही जो अल्लाह ने मोमिनीन से नुज़ूल कुरान के वक्त जो ये आयत नाजिल हुई उसके बाद से लेकर आज तक, ये वादा इलाही इतना बड़ा वादा इलाही और इतने पहलू से वादे, ये कब पूरा हुआ? रसूलुल्लाह के बाद से लेकर आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कबले क़यामत खुदावंदे आलम इस उम्मत मुस्लिमा के मोमिनीन सालेहीन को वो तमक्कुन देगा कि जो अल्लाह ने वादा किया है, और वादा वो कब पूरा हुआ? आज तक ना हुआ। इसका मतलब ये है कि खुदा सादिकुल वाद इंशाअल्लाह वो तमक्कुन दीन पर देगा। बस अब इख्तिताम कलाम में मैं इशारा कर दूं कि वो दीन कौन सा होगा। अब इस्लामी फिरकों में आ जाइए, हर एक कहता है हम ही मुसलमान हैं, हर एक कहता है हमारे ही जो फिरका है और हमारे ही जो मसलक है और हम जो अकायद पेश कर रहे हैं यही इस्लामी और कुरानी अकायद है, यही शरीयत मुहम्मदी है। मगर इशारा अल्लाह साफ साफ कर रहा है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह खलीफा बनाएगा। इस आयत से इस्तदलाल बाद रसूलुल्लाह की खिलाफतों के लिए किया गया वो दो कई पहलुओं से बातिल है। पहली तो ये कि अल्लाह कह रहा है हम खलीफा बनाएंगे, और रसूलुल्लाह के बाद जितने भी लोग बने हैं उसमें किसी का दावा न था, आज तक किसी का दावा नहीं है कि उसमें से किसी भी खलीफा रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खलीफा बनाया हो, बल्कि उम्मत ने बनाया, इजमा करके बनाया, शूरा से बनाया, नस से बनाया, अपॉइंट करके बनाया, गलबे से बनाया, जैसे भी बनाया हो,
तलवार के जोर पे बनाया, मगर अल्लाह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा होगा कि जो खलीफतुल्लाह होगा, जिसे अल्लाह बनाएगा, पब्लिक नहीं बनाएगी, उम्मत नहीं इलेक्शन करके बनाएगी, ना सिलेक्शन करके। फिर वो दीन दीने मुर्तजा होगा, अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन होगा। तो वो दीन कहाँ है, कौन सा दीन है? इतने फिरते हैं, हर एक को दावा है, 72-73 फिरकों में हर एक को दावा है कि हम ही दीन हक है, हम ही असली इस्लाम हकीकी, हम ही इस्लाम नाब मोहम्मदी है। मगर अल्लाह कह रहा है कि युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिसे अल्लाह ने पसंद किया है उस दीन को, दीन मुर्तजा है। कुरान की जबान वो दीन मुर्तजा है। अब आइए तलाश किया जाए कि कुरान की जबान में अल्लाह ने इस्लाम को कब पसंद किया। यूं तो फरमाया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो इस्लाम है, बस इस्लाम है। मगर यहां पर इस्लाम की पसंदीदगी का ऐलान नहीं किया जा रहा है, इब्तिदा में पसंदीदगी का ऐलान नहीं किया है, बल्कि इस्लाम की पसंदीदगी का ऐलान हिज्जतुल विदा वदा के बाद, जब पैगंबर अकरम मैदान गदीर तक पहुंचे हैं तो हुक्म खुदा हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिन्नास। ऐ रसूल, आप पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो आप पर कभी पहले नाजिल किया जा चुका है, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, अब उसे कानूनी हैसियत देने का वक्त आ गया है, अब आप वो हुक्म पहुंचा दीजिए। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, और अगर आपने ऐसा न किया तो रिसालत का कोई काम ही न किया। वल्लाहु यासिमुका मिन्नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इस नुज़ूल, इस आयत के नुज़ूल के फौरन बाद पैगंबर अकरम ने मैदान गदीर में पालाने शुतर का मिंबर बनवा कर और एक लंबा चौड़ा तवील अरीज खुतबा इंशा फरमा के जब गुरेज किया है वहां से हुक्म खुदा की तामील की तरफ, तो पैगंबर ने फरमाया कि अला इन्नल्लाह मौलाया व अना मौलल मुमिनीन मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। आगा हो जाओ, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मुमिनीन का मौला हूँ, और मैं जिस जिस का मौला हूँ अली उसके मौला है। जैसे ही ये ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब पैगंबर अकरम ने बहुक्म खुदा किया, फौरन आयत आई सनद के तौर पर कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज मैंने दीन को कामिल कर दिया तुम्हारे लिए, आज मैंने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया तुम्हारे लिए, और आज मैं राजी हो गया। वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, और आज मैं राजी हो गया इस्लाम से तुम्हारे लिए बहैसियत दीन के। इसका मतलब यह है कि मैदान गदीर में ऐलान विलायत अली के बाद अल्लाह ने यह ऐलान किया कि आज मैं इस्लाम से राजी हो गया, आज मैं तुम्हारे लिए इस्लाम से राजी हो गया, आज मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का दीन, दीन है मुर्तजा, मैदान गदीर में बना, और वो विलायत अली के ऐलान के बाद बना। अल्लाह का दीन तो हमेशा उसके लिए पसंदीदा था, हर नबी के जमाने में उसी का दीन है, मगर जो जिस वक्त जितनी शराय थी उस तक था। मगर मैदान गदीर में इस उम्मत मरहूमा उम्मत कुरान के लिए सुबह कयामत तक के लिए अल्लाह ने जो दीन पसंद किया है वो दीन मुर्तजा मैदान गदीर में विलायत के, विलायत अली के ऐलान के बाद हुआ है। अब अल्लाह वादा कर रहा है कि मोमिनीन को वला युमक के नन्न लहुम दीन हुमुल लज़ी तज़ा लहुम, उनको मौका देगा, उस दीन पे तमक्कुन देगा कि जो दीन मुर्तजा है, और दीन मुर्तजा मैदान गदीर में ऐलान विलायत अली के बाद हुआ है। इसके मतलब जो भी वो आएगा मोमिन, अल्लाह का वो खलीफा होगा, और अल्लाह अमन को उसे बदलेगा खौफ के माहौल के बाद, और उस दीन को लेकर आएगा जो दीन मुर्तजा होगा, यानी इमाम महदी जो तशरीफ लाएंगे वो उस दीन को लाएंगे कि जिसमें अल्लाह की तौहीद, रसालत मोहम्मद और विलायत अली और खुद अइमा और इमाम महदी की विलायत होगी। इसीलिए कोई मकतब ऐसा नहीं है कि जो इन आयात की तत्बीक कर सके और उनके पास का मिसदाक हो, सिवाय मकतब इस्ना अशरिये शिया के। इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएगा खलीफतुल्लाह, और पैगंबर का वो वादा पूरा होगा कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा व आखिरु दावाना
ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين واله الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mm-hmm.